हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं लेबनीज थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव। ये सेकंड लेक्चर है लेबनीज थ्योरम का। इससे पहले मैंने एक लेक्चर और अपलोड किया था कि लेबनीज थ्योरम से कैसे हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको प्रूफ पूछा जाता है, तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो आज मैं आपके सामने सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सुन, लेबनीज थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ऐसे अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो कैसे लिखते हैं? सुन, डी एन यू वी, यहाँ पे यू का n बार डेरिवेटिव होगा और v को हम छोड़ेंगे। फिर हम यहाँ पे एन सी वन, फिर u का n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव होता है, फिर यहाँ पे v का जो होगा वो एक टाइम हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहता है और ऐसे जो कंसेप्ट हैं ये कहीं ना कहीं जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अप्लाई होता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें आपको दे रखा है y is equal to sin inverse x square और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 1 minus x square y n plus 2 minus x 2 n plus 1 y n plus 1 minus n square y n is equal to 0, आपको इसको प्रूव करना है और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द y n 0। तो यहां पे जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को लेकर चलेंगे। तो y is equal to, यहां पे आ रहा है हमारे पास sin inverse x का होल स्क्वायर। बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखेंगे हम y1, तो ये आएगा 2 sin इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स का होता है 1 माइनस x स्क्वायर। बेटा इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यार ये आएगा 1 माइनस x स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 2 sin इनवर्स x। बेटा दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, ये y1 है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 1 माइनस x स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर वो y के बराबर होती है, तो मैं यहाँ पे इसको y लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा 1 माइनस x स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आएगा हमारे पास y। अब इस यहाँ पे हम लेबनीज अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या करते हैं, इस 4y को इधर ले आते हैं, देन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये आएगा वाई वन स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं। जब इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस का 4 डी वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पे इसको u इंटू v से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा ये आएगा 2 वाई वन एंड वाई वन का हो जाएगा वाई टू, एंड यहाँ पे इसका करेंगे तो सुनिए आएगा माइनस का 2x वाई वन स्क्वायर एंड सुनिए आ जाएगा माइनस का 4y1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से y1 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन, और इसको कॉमन निकाल के क्या ले जाएंगे, जीरो में लेके जाएंगे। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास 2 भी कॉमन निकल के जीरो मारा तो ये y2 आ जाएगा। तो यार यहाँ पे 2y1 कॉमन निकल रहा है तो सुनिए आएगा हमारे पास एक्स वाई वन एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। तुम क्या करते हैं, सुन डी एन, डी एन दोनों तरफ लिख देते हैं। तो डी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, है ना, ये हमने nth डेरिवेटिव निकाला, माइनस का ये आएगा डी एन एक्स वाई वन एंड माइनस का डी एन टू इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे लेबनीज लगाएंगे तो लेबनीज यहाँ पे लगेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो यार यहाँ से हम इसको लेबनीज लगाते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, वाई टू है, इसके अंदर हम इसका nth डेरिवेटिव करते हैं, है ना, एंड इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे प्लस का एन सी वन, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन एन माइनस वन वाई टू करेंगे और यहाँ पे इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, राइट। प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम इसको एन सी टू, बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा डी एन माइनस टू एंड ये आएगा वाई टू, है ना, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा डी स्क्वायर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। फिर जैसे हम इसका डी क्यूब वन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आगे लिखने का मतलब नहीं बनता है, माइनस बेटा आप इसका करेंगे, है ना। तो यार ये तो सिंपल हो रहा है, सुन यहाँ पे क्या करेंगे, वो अगेन लेबनीज लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आएगा डी एन वाई वन, है ना, एक्स को छोड़ा, प्लस ये आएगा एन सी वन, ये आएगा डी एन माइनस वन वाई वन एंड ये आएगा डी ऑफ एक्स, है ना। अब आगे करेंगे जैसे डी स्क्वायर ऑफ एक्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, और बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके, थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो सुनिए यहाँ पे इसका करेंगे तो यार डी एन वाई टू, तो सुनिए टू टाइम डेरिवेटिव और एन टाइम और करेंगे तो सुनिए हो जाएगा हमारे पास वाई एन प्लस टू,
तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको मैं आगे लिखता हूं और यहां लिख देता हूं y n प्लस 2 हो जाएगा राइट बेटा. यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये n c 1 की वैल्यू हमारे पास यहां पे होती है n और इसका n माइनस 1 y करेंगे तो इसमें आएगा y n प्लस 1 हो जाएगा और सर इसका दो एक बार डेरिवेटिव करेंगे हम सॉरी तो ये आएगा माइनस का 2x राइट. इसी प्रकार से जब n c 2 करेंगे तो यार इसकी वैल्यू होती है n इनटू n माइनस 1 अपॉन 2 बेटा. यहां पे इसका n माइनस 2 टाइम y 2 का करेंगे तो बेटा ये y n हो जाएगा है ना. एंड इसमें यहां पे इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास यहां पे माइनस 2 आ जाएगी राइट. अब इसमें यहां पे करेंगे तो माइनस ऑफ यहां पे चूंकि माइनस आ रहा है तो यहां पे y 1 करेंगे तो इसमें इसका y 1 का करेंगे तो ये आएगा y n प्लस 1 एंड इसमें x तो एक ही बार आ रहा है तो इस x को मैं आगे लिख देता हूं. इस माइनस को अंदर लेते हैं तो बेटा n c 1 की वैल्यू n होती है एंड यहां पे हम इसको करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुनिए y1 है और n माइनस 1 है तो ये y n हो जाएगा यहां पे एंड इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ x तो हमारे पास 1 ही होता है तो यार ये हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी राइट. अब हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं यहां पे तो यार ये आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 एंड यहां पे हमारे पास वाई एन प्लस 1 एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है तो सुन वाई एन प्लस 1 को हम कॉमन निकालते हैं और इसमें से x भी कॉमन आ रहा है तो सुन x कॉमन निकालूंगा मैं एंड वाई एन प्लस 1 कॉमन निकालूंगा तो सुन यहां पे हमारे पास x कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास और चूंकि माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा बिकॉज दोनों टर्म माइनस की आ रही तो माइनस का मैं x कॉमन निकालता हूं तो यार यहां से हमारे पास होगा ये 2n प्लस 1 एंड y n प्लस 1 हो जाएगा. ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्लियर है. एंड देन इसके बाद यहां पे क्या करेंगे सुन ये y n की टर्म है तो बेटा 2 से 2 तो हमारे पास कैंसिल हो रहा है और ये भी y n की टर्म है और ये भी y n की टर्म है तो हम क्या करेंगे सुन यहां पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोनों ही माइनस आ रही तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए आप है ना. तो सुन ये आएगा हमारे पास n इनटू n माइनस 1 प्लस यहां पे ये n हो जाएगा और यहां पे ये आएगा y n राइट इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी. नाउ इसको सिंपलीफाई करेंगे भैया तो यार ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2 माइनस x ये आएगा 2n प्लस 1 y n प्लस 1 बट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n से प्लस n कैंसिल हो रहा तो ये आएगा माइनस का n स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0. भैया ये हमारे पास यहां पे क्या जाता है इसका वैल्यू हो जाता है. इस तरह से हम इसको यहां पे बहुत इजीली प्रूव कर लेते हैं. इसमें यहां पे क्या करेंगे हमें यहां पे y10 मतलब हमें यहां पे yn0 की वैल्यू निकालनी है ना. तो yn0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो आपको उसके लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेके चलना पड़ेगा. आपको यहां पे क्या करना है सुन सबसे पहले हम बात करेंगे y1 के बारे में है ना. तो बेटा y1 और y तो अल्टीमेटली चलो y1 की बात करते हैं तो y1 एट x इज इक्वल टू 0 तो मैं y10 लिख रहा हूं तो बेटा जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यार ये तो 0 हो रहा है. इसी प्रकार से जब हम y2 की बात करेंगे तो भैया y2 हमारे पास ये यहां आ रहा है तो बेटा ये y2 यहां आ रहा है तो जहां पर भी x है वहां 0 रखता हूं ध्यान दीजिएगा. इस y2 में जहां पर भी x आ रहा है वहां पर 0 रखता हूं बेटा x 0 आ रहा है तो यार ये तो 0 हो जाएगा है ना. मैं इसमें रख रहा हूं ध्यान दीजिएगा मैं इस वाली टर्म में जहां पर भी x है वहां पे 0 रख रहा हूं बेटा ये 0 हो जाएगा यहां पे भी 0 हो जाएगा तो ये आएगा y20 ध्यान दीजिएगा ये क्या आएगा बेटा y20 और यहां पे सुन जे x तो 0 हो गया ये भी 0 हो गया तो सुन माइनस 2 आएगा तो इसकी वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. तो सुन y20 हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा क्लियर है. अब हमारे पास यहां पे क्या होगा सुन ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्लियर है. इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे जहां पर भी x है वहां 0 रखते हैं है ना. बेटा जहां पर भी x है वहां 0 रखते हैं ना मैं क्या करता हूं पुट x इज इक्वल टू 0 जैसे x 0 रखेंगे तो यार ये तो 0 हो जाएगा तो बेटा यहां पे हमारे पास आएगा ये y n प्लस 2 मैं इसको 0 लिख देता हूं बेटा पूरा 0 हो जाएगा और यहां पे मैं रखूंगा तो ये आएगा माइनस का n स्क्वायर y n 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो अगर आप देखेंगे तो सुन यहां से हमारे पास आएगा y n प्लस 2 0 इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास n स्क्वायर y n 0 आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं सुन n की वैल्यू एक बार मैं यहां पे 1 रखता हूं फिर 2 रखता हूं फिर 3 रखता हूं तो बेटा जैसे ही n की वैल्यू 1 रखोगे ध्यान दीजिएगा जैसे ही n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा y30 इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर इनटू y10 पर y10 की वैल्यू हमारे पास यहां पे 0 तो बेटा 0 हो जाएगा. तो जितने भी ऑड है वो सब 0 हो जाएगा. देखो 30 आएगा 50 आएगा उसके बाद 70 आएगा तो जितने भी हमारे पास ऑड्स आएंगे वो सब के क्या आएंगे 0 आएंगे. मतलब हमारे पास y10 y30 है ना y50 ये सब के सब हमारे पास क्या आएंगे बेटा 0 आएंगे है ना. ये ध्यान देने की जरूरत है. अब हमें देखना है यहां पे कि इसकी इवन के लिए क्या आ रही है सुन वाली है ना. इसमें अब क्या करेंगे हम इवन के लिए यहां पे क्या करेंगे n की जगह 2 रखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है तो मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं ना क्योंकि अब हमारा काम हो चुका है आपको समझ में आ गया होगा तो सुन मैं यहां से इसको हटा रहा हूं है ना. अब हम क्या करते हैं सुन यहां पे इवन के लिए रखते हैं ना. तो बेटा हम क्या करते हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास दे रखा है यहां पे हम क्या करते हैं सुन n की जगह 2 रखते हैं तो यार ये आएगा हमारे पास y40 इज इक्वल टू बेटा ये आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर है n की जगह 2 रख रहे हैं और ये आएगा हमारे पास y20 बेटा y20 की वैल्यू 2 है तो ये आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा. नेक्स्ट अब हम रखते हैं सुन y6
है ना, बेटा वही एन की जगह हम यहाँ पे रखेंगे फोर रखेंगे, इसमें नहीं आएगा हमारे पास फोर स्क्वायर राइट, तो यार ये आएगा फोर स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास वाई फोर जीरो, बेटा वाई फोर जीरो की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगा फोर स्क्वायर इंटू, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी टू स्क्वायर इंटू टू आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आता जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी टर्म को जनरलाइज करता हूँ तो सुन यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वाई एन जीरो व्हेन इफ एन इज इवन, है ना, जब भी बात कर रहा हूँ इसमें इवन की बात कर रहा हूँ, ऑड में तो जीरो हो जाएगा, तो सुन इवन होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सिक्स था तो ये हमारे पास फोर आ रहा था, तो यहाँ पे एन है तो ये क्या आएगा, सुन यहाँ पे हमारे पास एन माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा एन माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो चलता रहेगा टू स्क्वायर इंटू टू, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सुन इवन के लिए ये वैल्यू आएगी और ऑड के लिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको करा रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वन बाय एम प्लस वाई की पावर माइनस वन बाय एम इज इक्वल टू टू एक्स, तो आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यार हम लिखेंगे यहाँ पे वन अपॉन वाई की पावर वन बाय एम इज इक्वल टू टू एक्स, बट यहाँ पे वाई पावर इसको मैंने उल्टा कर दिया ना, वन अपॉन करके लिख दिया, अब इसको वाई पावर वन अपॉन से मल्टीप्लाई कर दी, बट जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये आएगा वाई की पावर टू बाय एम प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स वाई की पावर वन बाय एम हो जाएगा ना, इसको उधर ले लीजिए आप, तो यार ये आ जाएगा y की पावर 2 बाय एम माइनस का 2x y की पावर 1 बाय एम इसमें प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर आप y पावर 1 बाय एम को आप x मान लीजिए या p मान लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा p मान लेते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको p मान लेता हूँ, है ना, क्या करता हूँ लेट y पावर 1 बाय एम इज इक्वल टू p, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2xp इज इक्वल टू जीरो, बेटा p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे तो यार इम्प्लाइज सुन p इज इक्वल टू क्या आएगा, सुन माइनस का b दैट इज 2x प्लस माइनस बी स्क्वायर, बेटा बी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस का फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू, है ना, बेटा पी की वैल्यू वापस रख दो यार, तो पी को मैं वापस रख देता हूँ वन वन एम, है ना, इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे टू कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा, तो ये आएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों तरफ पावर एम कर देता हूँ मैं, ना तो दोनों तरफ पावर एम करूँगा तो इट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू ये आएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, एम हो जाएगा, दोनों तरफ पावर एम कर दी, इसमें दोनों तरफ पावर एम करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप चाहो तो दोनों तरफ यहाँ पे लॉग ले सकते हो, लॉग लेंगे तो भी हमारा काम इजी हो जाएगा, है ना, तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, तो इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लूंगा तो एम क्या आएगा बेटा, आगे आ जाएगा, तो एम लॉग क्या आएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, बट इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा वन अपॉन वाई और ये वाई वन आ जाएगा इज इक्वल टू एम, बेटा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, बेटा एक्स का करेंगे तो ये आएगा वन एंड प्लस माइनस बेटा ये आएगा अंडर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर का वापस करेंगे तो ये टू एक्स आ जाएगा, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वाई वन अपॉन वाई, इसमें क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू से टू कैंसिल करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस ये आएगा एक्स अपॉन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय इसमें यह आएगा हमारे पास एक्स प्लस माइनस एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास एम भी आगे आ रहा तो मैं एम को पीछे लिख देता हूँ ना एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, बट आप देखो ये दोनों टर्म एक ही एक जैसी है, बस प्लस माइनस को कॉमन ले लेता कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं प्लस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी y1 अपॉन y और प्लस माइनस को कॉमन लूंगा तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, सुनिए आएगा हमारे पास प्लस माइनस m अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन इज इक्वल टू ये आएगा प्लस माइनस एम वाई आ जाएगा, राइट, इसको आप अंदर ले लीजिए और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये चाहो तो एक बार इसका होल स्क्वायर कर लो सबसे बेस्ट रहेगा ना, तो एक बार इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन स्क्वायर एंड इसको ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा और इसको इधर ले आओ एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैं काम करता हूँ दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लगा देता हूँ, बेटा जैसे डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या करेंगे, सुन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम छोड़ते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या करता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन को छोड़ता हूँ मैं,
तो ये आएगा 2y1 एंड y2 हो जाएगा. नाउ अब इसको छोड़ेंगे है ना, और इसका करेंगे तो y1 स्क्वायर को छोड़ेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास प्लस का 2xy1 स्क्वायर आ जाएगा. नाउ बेटा ये आएगा माइनस का m, ये आएगा 2y y1 इज इक्वल टू 0 आएगा. देखो यहाँ पे 2y1 कॉमन निकल के क्या आ रहा है, 0 में जा रहा है ना. तो बेटा 2y1 कॉमन निकल के गया तो सुनिए आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास y2 और 2y1 गया तो बेटा ये हमारे पास आएगा xy1 एंड 2y1 गया तो सुनिए आएगा माइनस का ym इज इक्वल टू 0. सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, दोनों तरफ लेबनीज लगा देंगे ना. तो लेबनीज लगाएंगे तो इसका nth डेरिवेटिव कर देते हैं दोनों तरफ, राइट. जब दोनों तरफ इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हमें लेबनीज का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा. तो सुन लेबनीज लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा dn एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 इसका अलग कर देंगे एंड dn सुनिए आएगा xy1 माइनस m dn यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल टू 0. बेटा यहाँ पे इसको लगाएंगे तो यार यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन dn ऑफ y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ा, फिर हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे nc1 और ये आएगा हमारे पास dn माइनस 1 y2 एंड सुनिए आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सुनिए आएगा nc2 एंड ये आएगा हमारे पास dn माइनस 2 y2 एंड ये आएगा डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी. बेटा इसको तो निपटा दिया, अब इसको निपटाते हैं ना. प्लस बेटा ये आएगा हमारे पास dn y1 इंटू एक्स, फिर ये आएगा dn माइनस 1 y1 और ये आएगा डी ऑफ एक्स है ना. बेटा अब इसके आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे इसका डी स्क्वायर एक्स करेंगे 0 आएगा, इस टाइप से इसका भी आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा है ना. माइनस का बेटा ये आएगा m, यहाँ तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे पास सीधा का सीधा आ रहा है, राइट. तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया है ना. इस यहाँ पे एम स्क्वायर था तो यहाँ पे हम एम स्क्वायर कर देंगे, एम स्क्वायर कर देंगे और एम स्क्वायर कर देंगे. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, थोड़ा सा करेक्शन था, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए इसको. और सुन यहाँ पे हमारे पास चीज़ को करेंगे तो यार ये एक और टर्म आएगी हमारे पास nc1, एक छोटा सा गलती और हुआ है सुन यहाँ पे, ये nc1 और आएगा है ना. तो ये थोड़ा सा कर लीजिए क्योंकि dn y1 है एक्स है, फिर जैसे इसका करेंगे तो nc1 और आएगा. तो ये थोड़ा सा करेक्शन, आई एम सॉरी फॉर दैट. इस यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2. बेटा यहाँ पे इसको करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x और ये n, तो ये आएगा 2nx और ये आएगा हमारे पास y n प्लस 1. नाउ बेटा इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और ये लिखेंगे तो 2 पहले लिख देते हैं और इसका आएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 और ये आएगा हमारे पास y n, राइट. क्योंकि 2 है और n माइनस 2, तो इसको n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो y n आ जाएगा. इसी प्रकार से बेटा इसका करेंगे तो यार ये x है और ये आएगा हमारे पास y n प्लस 1. नाउ बेटा यहाँ पे nc1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n है ना, इसका डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा yn. नाउ बेटा ये आएगा हमारे पास माइनस का m स्क्वायर yn हो जाएगा, क्लियर. बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2. बेटा yn प्लस 1 एंड yn प्लस 1 यहाँ आ रहा है तो यार यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आएगा 2n प्लस 1 yn प्लस 1. बेटा ये 2 से ये 2 कैंसिल. नाउ यहाँ भी yn, यहाँ भी yn है हमें, तो इन टर्म को एक साथ लिख लेते हैं तो बेटा ये आएगा n इंटू एन माइनस 1 प्लस n माइनस का m स्क्वायर इंटू yn इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. नाउ उसको सिंप्लीफाई कर लेते तो बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 इंटू एक्स, ये आएगा हमारे पास 2n प्लस 1 yn प्लस 1. ये सुनिए यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n से n क्या आ जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा. अगर आप देखेंगे तो सुनिए n से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, राइट. तो सुनिए यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू yn इज इक्वल टू 0. बेटा ये हमारे पास आ जाएगा इसका प्रूफ और यही हमें यहाँ पे क्या करना था भैया, प्रूव करना था. तो इस तरह से बहुत ईजिली आप प्रूव कर सकते हैं. सुनिए यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. अगर आप हमारी और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं जहाँ पर हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट या लेबनीज का कंसेप्ट लगाया तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं. इसमें अगर आप CSIR नेट GAT या IIT JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स कह रहे हैं यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं. बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे अपडेट्स रहती है हमारी फ्री क्लासेस की, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पे अगर आप CSIR नेट GAT IIT JEE या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते रहते हैं. कैसे आपको मैथ्स कह रहे पे सब्सक्रिप्शन लेना, वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा और यहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, बाय बाय.